Hello, my dear children. Good afternoon, everyone. How are you all? Fine? Very good. I'm also fine. Thank you so much. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज? क्या है टाइम टेबल में? स्टोरी. यस, आज क्या है? स्टोरी. ठीक है पेरेंट्स, क्या आपने सबका टेकअप लिया? यस, कुछ बच्चों ने पेरेंट्स को पोएम स्टोरी बाहर करके दे दिया है और कुछ बच्चों ने नहीं दिया है. कुछ बच्चों का अभी तक भी इनकम्प्लीट है स्टोरी. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टोरी को रिवाइज करेंगे. क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि जिनका स्टोरी इनकम्प्लीट बाहर है उनका स्टोरी हम लोग फिर से बाहर करें. ओके, ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. हम लोग स्टोरी का क्या करेंगे आज? रिविजन करेंगे. ओके, क्या करेंगे स्टोरी का? रिविजन करेंगे. आई होप सबको याद है हमारी स्टोरी का नाम क्या था. व्हाट वाज माय स्टोरी नेम? कम ऑन टेल मी. द शेपर्ड एंड द वुल्फ. यस, एंड व्हाट वाज द पेज नंबर? व्हाट वाज द पेज नंबर? पेज नंबर 56. वेरी गुड. तो I'm going to write my story name over here, okay? Page number 56, okay? What was my story name? The Shepherd and the Wolf. Page number 56. ठीक है, तो the children who have not completed the story, please you have to complete your story. Okay? ठीक है. अभी सबको पता है ना, जिस जिसको स्टोरी अच्छे से बाहर हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग स्टोरी का कॉम्पिटिशन करेंगे. ओके, और कॉम्पिटिशन करेंगे तो क्या होगा? जो मुझे अच्छे से स्टोरी पढ़ के सुनाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको स्टार देंगे. ओके, स्टार देंगे. ओके, ठीक है. अभी इसीलिए आप लोग क्या करना है? स्टोरी अच्छे से बाहर करना है. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू गोइंग टू बाहर द स्टोरी नाउ? कौन कौन बाहर करके देगा मुझे? कम ऑन, रेज योर हैंड. यस, 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 वेरी गुड. और अभी जिस जिसका बाहर हो गया है वो क्या करेंगे? वो लोग भी मेरे साथ में रिविजन करेंगे. ओके चिल्ड्रेन, यस, वेरी गुड. सो चलो, कम ऑन, टेक आउट योर बुक एंड शो मी योर बुक एवरीवन. चलो, शो मी योर बुक एवरीवन एंड ओपन आउट पेज नंबर 56 ऑफ योर स्टोरी. कम ऑन, शो मी योर बुक्स एवरीवन. यस, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग क्या करेंगे? हैंड्स को फोल्ड करके बैठेंगे. ओके, जिनके पास बुक नहीं वो लोग क्या करेंगे? हैंड्स को फोल्ड करके बैठेंगे. ओके, ठीक है, वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी फॉर यू ऑल एंड देन लेटर ऑन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी एंड सेम वे आप लोगों को फिर बाद में मेरे पीछे रिपीट करना है. हम लोग हमेशा क्या करते हैं? 3 स्टेप लेते हैं. यस और नो? हाउ मेनी स्टेप? 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू रीड एंड यू आर गोइंग टू लिसन. सेकेंड स्टेप, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. थर्ड स्टेप, आप लोगों को मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है. ओके, अगर हम लोग ऐसे 3 स्टेप डेली करेंगे तो क्या होगा? आपको स्टोरी बाहर हो जाएगी. ओके, ठीक है. ओपन आउट पेज नंबर 56 एंड फोल्ड योर हैंड्स एवरीवन एंड सेट स्ट्रेट. वेरी गुड. My story name is The Shepherd and the Wolf. What is my story name? The Shepherd and the Wolf. There lived a shepherd boy in a small village beside a forest. Every day
he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted, "Help, help!" A wolf is here. The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. A few days later, the boy again shouted, "Help, help! A wolf is here." The villagers rushed to help. The boy again laughed at the villagers, who left angrily. One day, a wolf really came and killed some sheep. The boy shouted for a help, but no one came. The villagers thought that he was joking again. Thus, the boy's habits of lying caused the death of several sheep. ठीक है? Now, अभी आपको सबको पता है गांव था जहां पर एक शेपर्ड था. शेपर्ड मतलब गडरिया. ठीक है? वो अपनी शीप्स को चराने के लिए लेकर जाता था एवरी डे. लेकिन बैठे बैठे उसे कुछ काम नहीं होता था, इसलिए वो क्या करता था, चिल्लाता था जोर जोर से और क्या बोलता था, बचाओ बचाओ एक भेड़िया आ गया है. गांव वाले भाग कर आते थे, लेकिन जब गांव वाले आते थे तो देखते थे तो कोई भेड़िया नहीं आया है, तो गांव वाले उसे चिल्लाकर और वार्निंग देकर चले जाते कि दोबारा ऐसा मत करना. ठीक है? लेकिन बॉय क्या करता है था, उनके ऊपर हंस देता था. वो जो भी बोलकर जाते थे वो उनकी बात सुनता ही नहीं था, वो हंस के उनकी बात को टाल देता था. वापस थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बॉय ने फिर से वैसा मस्ती किया उनके साथ. और फिर क्या हुआ, मस्ती किया तो गांव वाले फिर से, गांव वालों को फिर से चिल्लाए कि हेल्प हेल्प अ वुल्फ इज हियर. ठीक है? तो गांव वाले फिर से आए उसकी मदद करने के लिए. गांव वाले आए तो वो फिर से हंसने लग गया, तो गांव वाले गुस्से से चले गए. लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्या हुआ एक दिन, किसको याद है, एक दिन सचमुच कौन आया, यस वेरी गुड, वुल्फ आया. और वुल्फ ने क्या किया, किल सम शेप, उसने क्या किया, कुछ शेप को किल कर दिया, मार दिया. ठीक है? क्यों मार दिया, क्यों मार दिया, क्योंकि इस बार वो चिल्ला रहा था लेकिन कोई गांव वाला उसकी मदद करने नहीं आया और वो अकेला पड़ गया था, तो कैसे बचा था. यस ओ नो? हर बार झूठ बोलता था, लेकिन इस बार तो सचमुच में भेड़िया आ गया और सचमुच में भेड़िया ने क्या किया, शिप्स को मार दिया. ठीक है? गांव वालों को क्या लगा कि वो ऐसे ही चिल्ला रहा है, रोज के जैसे मजाक कर रहा है, इसीलिए गांव वाले कोई उसकी मदद करने नहीं आए. सबको लगा ये हमेशा चिल्लाता था तो आज भी वैसे ही चिल्ला रहा है, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, उनकी बात सुन के सोचा कि वो फूल कर रहा है, इसीलिए कोई उसकी मदद करने नहीं आता, इसीलिए उसके झूठ का उसको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. क्या नुकसान उठाना पड़ा, उसे अपनी शिप्स की जान गंवानी पड़ी. यस ओ नो? यस. नाउ यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. ओके? और आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करके एक्शन भी करना है. सबको याद है ना एक्शन? यस, सबको याद है. वेरी गुड. और याद रहना भी चाहिए. ठीक है? मैं कुछ कुछ एक्शन करूंगी क्योंकि मेरे हाथ में बुक रहेगी, इसलिए मैं कुछ कुछ एक्शन करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को आइडियाज दूंगी, लेकिन आप लोगों को पूरे एक्शन पूरी तरह से करने हैं. ओके? ठीक है. वेरी गुड. माई स्टोरी नेम इज द शेपर्ड एंड द वुल्फ. ठीक है? देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय. ठीक है? देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज बिसाइड अ forest. Every day he would take his flock of sheep to graze. One day he shouted,
help, help. A wolf is here. The villagers came running to help, but could not see any wolf. The boy began to laugh. The villagers were angry and warned him not to repeat this again. What did the villagers do? They warned him not to repeat this mistake again. A few days later, the boy again shouted, "Help, help, a wolf is here." The villagers rushed to help. The boy again laughed at the villagers, who left angrily. One day, a wolf really came and killed some sheep. The boy shouted for a help, but no one came. The villagers thought that he was joking again. Thus, the boy's habit of lying caused the death of several sheep. Okay? Moral of the story, nobody believes a liar. Moral of the story kya hai? Nobody believes a liar. Kya liar ke upar koi believe karta hai? No, no one believes a liar. Why no one believes a liar? Kyunki jhoota insaan ek baar jhoot bole, theek hai, uski galti sudhari jati hai. Lekin ek baar, do baar, wo baar baar wohi galti kare, baar baar jhoot bole, to kya aap believe karoge? No, koi believe nahi karega. Yes or no? Yes, very good. To अभी आप लोगों क्या करना है, ये स्टोरी को अच्छे से क्या करोगे, बाहर करोगे, ठीक है, विद द एक्शन, और जोर से पढ़ना है एकदम. ओके, जोर से पढ़ोगे और एक्शन करके पढ़ोगे, ठीक है. टीचर आप लोगों को देख के पढ़ा रही है, पर आप लोगों को देख के नहीं पढ़ना है. ओके, ठीक है, समझ में आया सबको? यस, वेरी गुड. अभी ये आपको कैसे बाइंड करना है आपको पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कैसे पढ़ाया था, 1, 2, 2 लाइन, 3, 3 लाइन, 1 पैरा, देन 2 लाइन, ऐसे सिखाया था ना. जिसको बाहर नहीं है ये स्टोरी, उनको वैसे ही बाहर करना है ये स्टोरी जैसे मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था, ठीक है. पहले 3 लाइन बाइंड करनी है, फिर 2 लाइन बाइंड करनी है, ऐसे आप लोगों को ये बाहर करना है. ओके, ठीक है. नाउ बाहर करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार दो बार रिवाइज करना है देख के बुक में, ठीक है. एक बार दो बार रिवाइज करना है, ठीक है. मैं जानती हूँ आप लोग देख के पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो आप लोग, अपने एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर की हेल्प लेके आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो इसको. ओके, आपकी बड़ी बहन है ना घर पे, या बड़ा भाई होगा, या फिर मम्मा डैडा होंगे, तो आप लोग उनको क्या बोलो के मम्मा ये रीड करके दिखाओ मेरे को, ये क्या है. ओके, तो आपको क्या करना है, ये मम्मी के पीछे या डैडी के पीछे रिपीट करना है इसको. ओके, एंड देन उसके बाद क्या करोगे आप लोग, बाहर करोगे, ठीक है. बाहर करने के बाद क्या करना है, क्या करना है बाहर करने के बाद, मुझे सुनाना है. ओके, जब मैं बोलूंगी ना कि आप लोगों को वीडियोस भेजना है, या फिर आप लोगों को दूसरी टीचर्स कोई मैसेज देगी ग्रुप में कि आप लोगों को वीडियोस निकालना है पोयम स्टोरी का, तो आप लोगों को भेजना है, तो आप लोगों को एकदम वेल प्रिपेयर रहना है. ओके, ये कंपटीशन कभी भी हो सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर रहना है आप लोगों को. ओके, ठीक है. पेरेंट्स आप लोग प्लीज बच्चों को हेल्प करना. ओके, बच्चों को प्लीज हेल्प करना, ठीक है.
अच्छा अभी जब आप लोग होमवर्क करके भेजते हो मुझे, मैं आप लोगों को स्टार देती हूँ, चॉकलेट्स देती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मुझे रिवर्ट में मैसेजेस भेजते हैं, थैंक यू टीचर, आई लव दैट वेरी स्वीट वॉइस। ठीक है कृष्णा, थैंक यू बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको गुड मैनर्स है। ठीक है मैं आपको कभी चॉकलेट देती हूँ या स्टार देती हूँ तो आप लोग कैसे थैंक यू टीचर बोलते हो सामने होते हो तो, राइट बोलते हो ना, लेकिन आप लोग अभी मेरे सामने नहीं हो, लेकिन कुछ बच्चे मुझे थैंक यू तीतल बोल के मैसेज भेजते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ओके वेरी गुड कृष्णा, कीप इट अप। ठीक है अभी आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से बाहर करना है, और जब भी आपको बोला जाए कि कंपटीशन है तो आप लोगों को उससे पहले आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, और स्टोरी अच्छे से और एकदम जोर से बोलना है, उसमें ही मुझे समझ में आएगा कि मैंने मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया है। ओके पेरेंट्स आप लोगों को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा बच्चों के पीछे। ओके चलो देन, ठीक है अभी आई एम गोइंग टू एंड माई रिविजन ओवर हियर। एट द एंड ऑफ माई लेक्चर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है। ओके लिंक पर क्लिक करोगे वैसे आपको वंदे मातरम का सॉन्ग आएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, खड़े रहना है। ओके चलो देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।